हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। यानी कोई रेजिस्टर है, ठीक है, उसके साथ एक तो बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट की, और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है 2.5 मिली एम्पियर का, ठीक है, एक सर्किट बनाया हुआ है। तो ये जो रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सपोज ये रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पे मेंशन है अननोन रेजिस्टर, ओके। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, सबसे पहले एम्पियर के साथ कनेक्ट करते हैं हम, जो कि करंट को मेजर करता है। फिर उसके साथ हम एक स्विच लगा देंगे और साथ में हम एक बैटरी अटैच करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर जो बैटरी है वो है 12 वोल्ट की, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो देखिए, जो डाटा हमारे पास दिया गया है उसको हम लिखेंगे बैटरी की जो वोल्टेज है, तो उसके लिए हम लिखेंगे बैटरी वोल्टेज, या सिंपली वोल्टेज भी लिख सकते हैं। सो वी इज इक्वल टू 12 वोल्ट और द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी इस सर्किट में जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू दी गई हमें 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस करंट में जो मिली एम्पियर है ना, इसको हम सिंपली एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं। तो मिली के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इसको हटाने के लिए हमें 10^-3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास करंट आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10^-3 एम्पियर, ओके। और रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। सो हमें पता है, मतलब एक फार्मूला है हमारे पास, वी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे बिकॉज वी इज इक्वल टू आई आर, सो देयरफॉर यहां से आर आ जाएगा हमारे पास वी डिवाइडिंग बाय आई। सो सिंपली वी और आई की वैल्यू हमें पुट करनी है। अब देखिए, इनको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। देखिए, ये 10^-3 है और यहाँ पे 2.5 है, ठीक है। तो देखिए, इसका भी अगर हम पॉइंट, ये जो डेसिमल इसको हटा दे, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई 10^-1, ओके। सो -3 और -1 हो जाएगा हमारे पास टोटल -4, और ये माइनस है तो ये सारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिंपल करके लिखे तो हमारे पास आएगा ये 12, और ऊपर हमारे पास 1 और साथ में 40, -3 ये, मतलब 30 ये, और यहाँ से 10, 40 ये 25 आ गया। और 25 हम सिर्फ या 100 तक इंक्लूड करें तो 25 मल्टीप्लाई 4 होता है 100, और उसके बाद दो जीरोस हमारे पास वैसे बच जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 400। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 × 4 = 48 ओम, ओके। सो इसकी जो रेजिस्टेंस आ जाएगी 4800 ओम। इसको थोड़ा और रीअरेंज करके हम लिखें तो हम क्या करेंगे, इसको किलो ओम में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए हमें मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि किलो के लिए 3 जीरोस होती है, ओके। सो यहाँ पे 3 जीरो लिख दी। अब ये वाले 2 जीरो और ये वाले 2 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास सिंपली आ रहा है R इज इक्वल टू 4.8 किलो ओम, ठीक है। तो ये आंसर है इंग्लिश में कैसे लिखना है, और इसी आंसर को अगर हमें हिंदी में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको भी आप देखिए। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और सेकंडली मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं, तो जिनको हिंदी में करना है आंसर वो हिंदी में कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे हमारे पास ये है अननोन रजिस्टर, ठीक है। इसका हम एक सर्किट बना लेते हैं, यहाँ पे एम्पियर कनेक्टेड है, ये अमीटर कनेक्टेड है, सॉरी, जो कि करंट को मेजर करेगा। यहाँ पे स्विच,
फिर ये बैटरी, ओके, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। ये 12 वोल्ट की बैटरी है और जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारे पास 2.5 mA। तो जो डाटा हमारे पास दिया गया है उसको हम लिखेंगे बैटरी की वोल्टता V इज इक्वल टू 12 वोल्ट और परिपथ में प्रवाहित धारा यानी जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है I इज इक्वल 2.5 mA। मिली को हमें रिमूव करना है तो इसके लिए हमें 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 1000 से डिवाइड कर दो 2.5 को। ओके, सो हम लिखेंगे 2.5 × 10^-3 A। ओके, और रेजिस्टेंस यानी जो प्रतिरोध है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सो यहाँ से R आ जाएगा हमारे पास V डिवाइडिंग बाई I। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हमें वैल्यूज को पुट करना है और फिर इसको हम थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 12 × 10^1000 / 25। 25 से इस 10,000 को हम जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 400, फिर हमारे पास आ जाएगा 4800 ओम। ठीक है, इसको थोड़ा और रीअरेंज करके लिखे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 4800 / 1000। सो ओम की जगह हम लिखेंगे किलो क्योंकि हमने इसको 1000 से डिवाइड किया। सो ये दो जीरो आपस में कैंसिल हो जाएगी और हमारा जो प्रतिरोध यानी जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.8 किलो ओम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाया जाए और सॉल्व किया जाए। ठीक है, और गाइस एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि ये सब बनाने के लिए आपको लगता तो आसान ही होगा ना, बट ये सब चीज़ें बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ शो करूँ, लाइक अभी दिखना है यहाँ पे किस तरह से ये चीज़ें रन होगी। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको ये सब समझाने के लिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कितनी ज़्यादा मेहनत जो है वो करता हूँ। ये सारी देखो साइड में इतनी सारी एनिमेशन रखी हुई है, ये है ना, और ये सारी एनिमेशन उसी तरह से वर्क करती है जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, यहाँ पे किसी भी टाइप के ब्लैक बोर्ड की आपको जरूरत नहीं पड़ती, यानी जो जो चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे चलती है या बनानी होती है या लिखनी होती है वही सब चीज़ें आपको इस स्लाइड में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब करने में बड़ी मेहनत लगती है, इसके लिए आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।